शुरुआत करने से पहले हमारे मन में एक विचार ज़रूर आता है कि लोग क्या कहेंगे। सो लोगों को साइड में रखते हैं, हमारी बात स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स बिगिन टूडेज वर्क। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं मैथ्स का टाइप वन क्वेश्चन, जो कि होने वाले हैं वर्क एंड टाइम एंड मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ बोर्ड स्ट्रीम ट्रेन एंड मतलब ये जो जितने भी एवरेज एंड ये सारे जितने भी एक जैसे कैलकुलेशन है, इन सारे क्वेश्चन का मिसलेनियस सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ अभी एंड इसी को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड पिछले एक दिन से मतलब कल से मैं ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है खुद से। सो इसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी बैठ रहे हैं मेरे एग्ज़ाम्स में। सो मैंने सोचा कि और मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी वीक हैं इसमें। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको बिल्ड कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो मैं अभी कर रही हूँ यूट्यूब से आदित्य रंजन सर की एक सीरीज़ है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है बहुत सारे जो कि काफ़ी हेल्पफुल है एंड काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एंड कोई भी एक रैंडम वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड सर के क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटी वाले हैं। सो मैं वही कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं और भी देखूँगी कि कौन कौन से वीडियोस जो है वो रिलेवेंट होने वाले हैं हमारे। सो वो हम करेंगे आगे। एंड फिलहाल मैं आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ एंड राकेश यादव सर का भी एक बहुत अच्छा वीडियो है। सो इसको कम्प्लीट करने के बाद वो करने वाले हैं हम। सो बेसिकली मतलब जितनी प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है एंड कुछ कर जाने से ही फ़ायदा है। सो चलिए फिर करते हैं। सो बेसिकली मतलब हमें रुकना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी तैयारी जो हम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको छोड़ देते हैं। बट किसी एक सिंगल हार की वजह से हम इतने दिनों की या इतने महीनों की या फिर इतने सालों की बहुत सो की तो वो हम छोड़ नहीं सकते। सो रैंडमली किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होना एंड लेट्स बिगिन। सो अभी हम नेक्स्ट सेशन लगाने वाले हैं ज्योग्राफी का, सॉरी वर्ल्ड मैप का मैं कर रही हूँ जो कि सर एटलस से पढ़ाते हैं। मैंने एटलस भी ले ली है एंड ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही ली थी। सो ये करने के बाद लेट्स हैव लंच नाउ। सो लंच के लिए हम बनाएंगे खुद से ही एक पराठा एंड जो कि होने वाला है बहुत स्पेशल। सो सबसे पहले उसको बेल लेंगे, मोटा मोटा बोल लेना है आपको मतलब। एंड उस आटे की बोल को हम अच्छे से सेपरेट मतलब ऐसे कर देंगे एंड उसके बाद उसमें बेसिक मसाला डालेंगे एंड स्पेशल इन्ग्रीडियंट होने वाला है इसमें अजवाइन। सो इसको अच्छे से हम डाल के, ऑयल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या सूखा भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, प्याज एंड हरा धनिया एंड अगर आपके पास कोई और सब्जियां भी है तो यू कैन ऐड, और अगर आपके पास सेब है तो वो तो डाल ही सकते हैं, नमकीन हो तो डाल सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है, मेरे पास थी नहीं। सो इसके बाद इसके ऊपर से डालेंगे हम नमक एंड देन इसको अच्छे से जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे इसको रोल कर लेंगे। एंड मतलब ये काफ़ी धीरे धीरे करने का होता है क्योंकि इसमें से स्टफिंग जो है वो बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके बाद इसका ऐसा बॉल बना लेना है, इसको अच्छे से बेल लेना है जैसा कि हमने पहले करा था। एंड काफ़ी एक हाथ से वीडियो बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट हाँ जैसे कैसे करके मैंने करा है। एंड देन उसके बाद हमें इसको अच्छे से सेक लेना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। सो उसके बाद इस पर लगाना है दोनों तरफ ऑयल एंड इसको अच्छे से कुरकुरा सेक लेना है एंड इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से स्टीम मतलब वो करेंगे एंड उसके बाद इट्स रेडी। एंड ऑयल की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, किसी को ऑयल पसंद नहीं होता है सो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन यू। सो हमारा पराठा एकदम रेडी है, इसको सर्व करेंगे हम दही के साथ, ये बहुत ही गाढ़ा दही है एंड इसके साथ हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे नमक मिर्च एंड इसको प्रॉपर स्टाइलिश एंड डिसेंट वे में हम इसको सर्व करेंगे एंड इसको इंजॉय करेंगे। एंड आप चाहे तो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं एंड इट्स काफ़ी डिलीशियस। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, खाओ खिलाओ और बनाओ।